खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, मैला आंचल, लेकिन धरती माता अभी स्वर्णाचला है। गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी के जंगल, कोठी के बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे, संस्कृति और प्रकृति के इसी सार्थक सम्मिश्रण को प्रत्यक्ष करने हमारे छात्र इस वर्ष भी 6 दिवसीय ग्रामवास यानी रूरल इमर्शन प्रोग्राम पर गए। सिवान जिले के नरेंद्रपुर गांव में स्थित परिवर्तन हर वर्ष बच्चों को गांव में जाकर उन चीजों की खोज करने का अवसर देता है जो उनके शहरों में अनुपस्थित है। ग्राम भ्रमण या फील्ड विजिट RIP का मुख्य अंग है। इस बार गांव की सूची में शामिल थे कुल 10 ग्राम, जिनमें से कुछ थे भवराजपुर, बेलही, बंधु, चंदौली गंगौली, संझलपुर इत्यादि। पहले दिन हर दल ने अपने अपने निर्धारित गांव की सामान्य जानकारी हासिल की, पूरे गांव का मुआयना किया, लोगों से मिले और वहां की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन किया। परिवर्तन टूर। उसी दिन बच्चे परिवर्तन के विभिन्न कार्यकलापों से मुखातिब हुए। इसी के साथ उन्हें उस जिम्मेवारी का भान हुआ जो इन 6 दिनों के रोमांच के पीछे छिपा था। Not for that. Tomorrow it is interaction, where you interact with them. Normally, as you go, try to find out their difficulties and feelings. हर नई सुबह एक नई चुनौती और एक नए उत्साह को चिन्हित करती है, और यदि प्रकृति की गोद में इसी आरंभ को श्लोकोच्चारण, प्रार्थना और योग ध्यान का संग मिल जाए। प्रतिदिन भ्रमण के पहले RIP के मेंटर डॉक्टर राजेश्वर मिश्रा बच्चों से मुखातिब होकर उन्हें सामाजिक शोध की बारीकियां समझाते और उस खास दिन ग्राम जीवन के किस पहलू को फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें
चांदी की सी उजली जाली। श्री सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्राम श्री गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए है। यह कविता तब जीवित हो उठी जब बच्चों ने पहली बार गांव में कदम रखे। परिवर्तन से लड़का मेरे विभिन्न संस्थाओं और उनकी कार्य प्रणाली पर बच्चों ने आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी स्कूल इत्यादि में जाकर वहां के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके काम करने के तरीके को समझा। परंतु इस बार का फील्ड विजिट सिर्फ डेटा कलेक्शन तक सीमित नहीं रह सका। हर दल ने गांव वालों के साथ मिलकर कुछ अहम कदम उठाए और आरआईपी को सार्थक कर दिया। जहां कुछ बच्चों ने अपने दायित्व को समझते हुए खुद ही स्कूल की साफ सफाई की, वहीं कुछ दलों ने गांव वालों के बीच नुक्कड़ नाटक करके उन्हें शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा का महत्व समझाया। एक समूह ने गांव वालों को वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखाया तो वहीं दूसरे ने स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत कर दी। इन कार्यों के साथ गांव वालों से यह वादा भी लिया कि वे इन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। छात्रों ने यहां कथनी और करणी का फर्क समझा।
रख दो साबुन, रख दो साबुन, रख दो अच्छे से, ऐसे उंगली के बीच, उंगली के बीच पर रगड़ो, मसलो अच्छे से, रगड़ो, बताते रहो फायदा। देखो ये नाखून काटेगा, ठीक है, नाखून कभी भी बड़ा नहीं छोड़ना है, अगर है भी तो एकदम साफ करना है, देखिए ऐसे ऐसे अंदर अंदर साफ करना, ठीक है, ठीक है, सब कुछ, और हाथ एकदम साफ होने चाहिए, नाखून भी हमेशा काटवाते चाहिए, जब भी बड़े मुझे नाखून की आदत गंदे भी चले जाएगी, उसी से प्रो निकलेगा तो खा हम अपने कलाकारों से परिचय करा दे और इस नाट्य मंडली के बारे में आपको दो लाइन बता दे। ये नाट्य मंडली जो आप देख रहे हैं ये लगभग 2 साल पूरे होंगे, जब ये शुरुआत शुरू हुई थी तो अपने जो हमारे स्टाफ हैं जो परिवर्तन के स्टाफ उन्हीं के साथ शुरू किया गया था। उसके बाद हमारे इसमें 8 गांव के युवा मिलके इस रंग मंडली को इन्होंने बनाया। परिवर्तन का सभागार उस दिन सूरज की किरणों से नहीं बल्कि बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम से जगमगा उठा। परिवर्तन की मंडली और हमारे छात्र एक साथ एक ही मंच पर उतरे और एक से बढ़कर एक नाटक, गीत और नृत्य पेश किए। यह सही मायनों में सांस्कृतिक सम्मिश्रण था। एकत्व का ऐसा भाव विरले ही देखने को मिलता है। प्रतिदिन छात्र भ्रमण से लौटकर एक परिचर्चा में शिरकत करते, गांव से जुटाई गई जानकारी पर मंथन होता और अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होता। थॉन्ग देखिए देखिए देखिए, आहा कांटा लगा क्या? स्पिक मेके के सौजन्य से वहीं परिवर्तन के प्रांगण में सुश्री सावनी मुद्गल ने ख्याल और नक्षत्र गुरुकुल की टोली ने अपनी गोटीपुआ नृत्य की प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। From various levels of how it should be used. So next time you come across 1,000 problems in a village, and each problem, I am sure you all are capable of coming up with ideas of solving. And when you solve it with a certain rigor and understanding. Patna Airport, you take Dehradun Airport, you take Raipur, you take Bangalore, you take wherever. They all look. इन्हीं 6 दिनों में बच्चों ने कुछ नामचीन हस्तियों से मुलाकात की और उनके विचारों से रूबरू हुए। मसलन श्री सौरभ गुप्ता और श्री नवनीत गर्ग ने बच्चों के साथ
डिजाइनिंग एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर बातें की। श्री रवि श्रीधरन ने छात्रों से जर्नी फ्रॉम कॉर्पोरेट टू कंपैशनेट पर अपने ख्याल साझा किए। अंतिम दिन श्रीमती संजना कपूर ने भी सारे बच्चों को प्रेरित किया। आईपी के कई एक आकर्षणों में से एक था स्टारगेजिंग का कार्यक्रम। हर रात विद्यार्थियों का दल बारी बारी एक आधुनिक टेलीस्कोप से आकाश को निहारता और अंतरिक्ष को चीरती हुई उनकी नजरें खगोलीय पिंडों से टकराकर वापस आती। यूं समझिए वे सातवें आसमान पर थे। इस गांव में आ रहे हैं और इस गांव का नाम धर्मपुर है। इस हम अभी धर्मपुर के आंगनवाड़ी केंद्र में खड़े हैं। इस आंगनवाड़ी केंद्र में हमें सबसे पहले पता चला कि बच्चों के लिए फर्श की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, मिड डे मील का खाना देर से आता है और उसके बाद ढलान की सुविधा नहीं थी और ऊपर से चापाकल भी टूटा हुआ। तो उसके बाद हम सारे एक जगह एकत्रित हुए और उसके बाद हमने इस बारे में सोचा और हमने ढलान के बारे में और बच्चों के लिए कलरफुल पोस्टर्स बनाने के बारे में सोचा और उसके बाद आज हम आए हैं और यहाँ पर ढलान का काम पूरा हो चुका है और उसके बाद हम पोस्टर्स भी हमने लगा चुके हैं और हमने और ये एक्सपीरियंस हमारे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट जैसा रहा जो हम जिसने सबने हमने इंजॉय भी किया और बहुत कुछ सीखा। कि गांव सिर्फ हरियाली की वे टुकड़ियां नहीं जो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के किनारे दिखती हैं, वे हमारे समाज की जड़ें हैं और जड़ों की सिंचाई आवश्यक है। हम सभी का एक दायित्व है हमारे गांव के प्रति। एक कविता याद आती है, कद इमारतों के ज्यों घटने लगते हैं, कद इमारतों के ज्यों घटने लगते हैं त्यों जमीन से साए छटने लगते हैं, सड़क किनारे धूप बराबर बट जाती है और वहां पर बीज पनपने लगते हैं। फिर एक बूढ़ा सा बरगद उग आता है, आंदोलन हरियाली का संग लाता है, धरती भूरी सड़क कच्ची हो जाती है, उसे गांव कह के बुलाते हैं, जहां शहर के सिर सजदे में आज भी झुक जाते हैं, जहां शहर के सिर सजदे में आज भी झुक जाते हैं, आज भी झुक जाते हैं।